क्या आपसे भी लौंडिया सेट नहीं होती है? क्या आपका भी लौंडियों में रोला नहीं जम पाता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लड़कियां कैसे पटा सकते हैं। ओ भाई भाई क्या कर रहे हो? या वीडियो बना रहा हूँ, फोटो एडिटिंग का भी लोग है, है? फोटो एडिटिंग का कट कर देना। तो हे व्हाट्सअप भाई, वेलकम बैक टू द आरपीन चैनल। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ अपने फोटो में टी लैंड ऑरेंज टोन गिनने वाला हूँ। अब मैंने फोटो तो बहुत सारी क्लिक कराई थी लेकिन उसमें से बहुत जगह जाके मुझे गलती लगी, लेकिन एक फोटो मुझे काफ़ी हद तक सही लगी तो मैंने उसको एडिट करा और फिर मैंने उसमें जब टोन गिरी तो मुझे फोटो बहुत अच्छा लगा, तो भी मैंने अपलोड करा और मुझे उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो पक्चौदी साइड में रखते हैं और लाइट कैसे स्टार्ट है। तो हेवी आर लाइट रूम, तो मैंने अपना फोटो लाइट रूम ओपन कर लिया। मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो ये फ़ोटो था मेरा थोड़ा, अब मैं इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करता हूँ। तो पहले मैं सूरज वाले टैब में जाऊँगा, थोड़ी एडजस्टमेंट सेटिंग करता हूँ। जैसे मैं करते चला जाता हूँ आप देखते रहो, मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को कम करता हूँ एंड अपने फ़ोटो के हिसाब से मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करूँगा। तो आप देख सकते हो अपने फ़ोटो के हिसाब से, आप भी कर सकते हो। तो पहले मैं कर लेता हूँ, फिर आप देख सकते हो मैंने कितना कितना किसको कम कराया। तो ठीक है, मैं करता हूँ। एंड इतना होने के बाद अब मैं नेक्स्ट टूल पे जाता हूँ जो कि है कलर बैलेंस। अब मैं इसमें टेम्परेचर कम करूँगा क्योंकि मेरे फोटो में येलो टोन बहुत था, तो अब मैं उसे थोड़ा ब्लू टोन में लूँगा, तो इसके लिए मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कम कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मुझे वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन भी छेड़ने पड़ेंगे क्योंकि कलर अंदर से, क्योंकि वाइब्रेंस का मतलब होता है जहाँ आपके फ़ोटो में कलर नहीं है वहाँ कलर बढ़ा देता है। तो इतना होने के बाद अब मैं एचएस वाले टूल पर जाता हूँ और अपने फेस पे जो ऑरेंज कलर है वो फेस का लुमिनेंस बढ़ा देता हूँ एंड फिर ब्लू वाले टोन पर जाकर उसका ह्यू माइनस कर देता हूँ। इतना होने के बाद अब बिफोर आफ्टर में आप देख सकते हो कितना ही अंतर आ गया है, और अभी तो एडिटिंग स्टार्ट हुई है। इतना होने के बाद अब मैं सिलेक्टिव टूल पर जाता हूँ एंड ऊपर से ग्रेडियंट गिरूँगा मैं, जैसे कि मुझे लगेगा कि ऊपर से एक लाइट का सोर्स गिरना है मुझे, तो पहले मैं एक ग्रेडियंट गिर देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप देखते रहो। तो अब मैं डीहेज इसमें कम कर दूँगा -34 एंड अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा ताकि थोड़ा फेक भी नहीं लगे, तो हल्का सा रियल वाला लुक आए। और एंड का इतना होने के बाद अब मैं एक ग्रेनेड सेलेक्ट करूँगा। अब मैं उसे नीचे से गिरूँगा और उसका एक्सपोजर और क्लैरिटी बढ़ा दूँगा। अब मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ। एंड इतना होने के बाद अब मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा, तो ये इतना डिटेक्ट हो रहा है तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब मेरा सिलेक्ट सब्जेक्ट हो गया है। अब मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ और मैं थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। अब मैं हाईलाइट कम कर देता हूँ -28 एंड टेम्परेचर वाले इस पर जाकर टेम्परेचर भी कम करता हूँ -6 एंड एक्सपोजर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखते हैं। चलो एक्सपोजर भी बढ़ा दिया एंड डी एच हम बढ़ा देंगे 24-25। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है फ़ोटो। और अब हम फेक स्मूथ करेंगे, तो हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे प्लस एंड ब्रश सिलेक्ट करेंगे। ब्रश जैसे सिलेक्ट होगा तो हम उसका साइज थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं और फिर से अपनी स्किन पर फेर लेंगे। अब मैं इसे जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड मैंने अपने फेस पर कर लिया है। अब मैं इसकी क्लैरिटी माइनस कर दूंगा, टेक्चर भी माइनस कर दूंगा ताकि मेरा फेस स्मूथ हो जाए। अब तो इसे मैं अपने स्क्रीन सारे हाथों पर भी इसे कर लेता हूँ, तो मैं जल्दी से पहले ये चीज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं इसमें सर्कल लेता हूँ। अब मैं इसे ऊपर स्काई पर लगा दूंगा और इसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ जितना सिलेक्ट करना था। अब फिर मैं उसका डीएच कम कर दूंगा। फिर कुछ देर बाद अब मैं नीचे से ग्रेनेड गिरता हूँ ताकि नीचे से ब्लैक हो जाए, उसकी क्लैरिटी भी बढ़ा देंगे। डी एच
45 कर दिया। इतना होने के बाद अब मुझे थोड़ा सा सर्कल वाला ब्राइट पार्ट ज़्यादा लग रहा था, तो उसको कम कर रहा हूँ। डी एच भी माइनस कर दिया मैंने उसका, उसे दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड इतना होने के बाद सही है, मैं क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ। मैं क्लैरिटी 31 कर दी एंड टेक्चर भी बढ़ा दिया, टेक्चर माइनस। एंड फिर मुझे ब्राइट पैड थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर दूँगा। एंड डन। और अब देखते हैं, हाँ अब पहले से बेटर है। इतना होने के बाद अब मैं कलर बैलेंस में जाता हूँ, अब कलर गिरूँगा। अब जैसे कि ये सर्कल आप बहुत आसान है चलाना, इसको नीचे से करते हैं एंड फिर सेचुरेशन बढ़ा के पहले देखते हैं कौन सा कलर इसमें गिरना है। तो इस पर थोड़ा ब्लू टोन मुझे अच्छी लगेगी एंड ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं शैडो वाले पार्ट पर जाता हूँ, एज बेंस सेचुरेशन बढ़ा दी। अब व्यू देखते हैं कहाँ अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं इसका बैलेंस करके देखता हूँ। 12 बैलेंस पर अच्छा लग रहा है, डन। एंड अब नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। अब बिफोर आफ्टर बहुत ही कमाल का लग रहा है यार। एंड अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। क्लैरिटी मैंने बढ़ाई रखी थी, अब HSL वाले उसमें जाकर ब्लू का सेचुरेशन बढ़ा देंगे, व्यू माइनस कर देंगे थोड़ी सा। एंड लास्ट के दो कलर सेचुरेशन माइनस, डन। एंड इसकी विंटेज थोड़ा सा कम कर देते हैं, -3। अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड मार्क्सिंग करते हैं कहाँ इसकी मार्क्सिंग सेट बैठती है। तो हम दो उंगली से करेंगे इसे ना 77। तो शार्पनेस भी हमारी सही हो गई है, नॉइज रिडक्शन भी बढ़ा देते हैं एंड डन। इतना होने के बाद अब हमारा इसमें काम कुछ ही रहा है, अब हमें डायरेक्ट 3 डॉट पर दबाना है। तो गाइस कितने ही आसान स्टेप के साथ मैंने अपनी फोटो एडिट कर लिया, इसका बिफोर आफ्टर देखते कितना ही कमाल है। अब हम इस पर शेयर के बटन पर दबाएंगे तो शेयर कर दें। तो आपको सेव टू डिवाइस बिल्कुल ही नहीं करना है, डायरेक्ट करना है एक्सपोर्ट अस। सेटिंग आप देख ही सकते हो सेटिंग क्या करनी है, एंड सही के निशान पर दबाकर सेव होना लग जाएगा। इससे आपका फोटो बिल्कुल HD क्वालिटी में सेव होगा। दैट इज वीडियो गाइस, अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना यार वीडियो कैसी लगी। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ मुझे फॉलो करो। और यार क्या ही कर रहे हो यार, तो सब्सक्राइब कर लो नए नए ट्यूटोरियल देखने के लिए। अब मैं रेगुलर कॉन्टेंट अपलोड करूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।